Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. आकर कहती है कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। पता नहीं किसका बच्चा है। अली! देखो, तुम ये हकीकत कब तक छुपाओगे साहिब? तुम इसे तो वैसे ही बताने वाले थे अगर इसने खुद क्या बताने वाला था? झूठ बोल रही हो तुम, ये झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, तुम कब तक छुपाओगे? मैं कब छुपा रहा हूँ? आप लोग मेरी बात तो सुनो, क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे साथ? नहीं बोल रहे हो उससे। क्या बात है साहिब? कि तुम उसकी खैरियत के लिए फिक्रमंद हो। तुम्हें ज्यादा फिक्र इस बात की हो रही है कि मुझे कैसे पता चला? क्यों कर रही हो ऐसा? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? कल रात को मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद सुनना बनता है क्या? मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो आई न्यू कि ये स्टूपिड है, लेकिन इतनी ज्यादा बेवकूफ हो गया, आई डिडंट नो। हमारा काम तो इसने खुद आसान कर दिया। काम जल्दी हो जाएगा, मैं अब आपसे मिलूंगी घर आके। ओके, सी यू सून। उसने फिर से मेरी बात नहीं सुनी। तो साहिब मैं करती हूँ ना उससे बात और ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती हूँ उसकी। नहीं, अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। जिससे मुझ पर भरोसा ही ना हो उसे कुछ भी कहना बेकार है। मैं उसे अब कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। तो तुम उसकी गलतफहमी दूर नहीं करना चाहते? लेकिन साइम, अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते। तुम हो ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स साइम, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मगर आबरू। अरे कहाँ ना, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहते। ओके साइम, फिर मैं चलती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त किसी के साथ मिलकर बाबरू और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा कर रही है। हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही है। महा के सामने खामोश रहना पड़ेगा जब तक मैं साजिश को बेनकाब ना कर दूं। अबू, प्लीज मेरी बात सुनो। अबू प्लीज। मीर, यहाँ तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहो। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे तमाशा ना लगाऊं तो प्लीज मेरे साथ चलो। प्लीज। इनकी गाड़ी मेरे घर पे ड्रॉप कर देना। ओके सर।
गाड़ी रोको। मैंने तुमसे कुछ कहा है? मीर, कहाँ जाओगी? तुमसे दूर। ऑफिस में मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ मेरी कोई मजबूरी नहीं। चुपचाप गाड़ी में बैठी रहो। तुम होते कौन हो मुझ पे इस तरह से हुक्म चलाने वाले? कहाँ जा रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसे कहाँ जाओगी अकेली तुम? प्लीज चुपचाप चल के गाड़ी में बैठो, मैंने कहा ना तुमसे। मैं जो भी करूँ, कहीं पर भी जाऊँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितना अपना ख्याल रख सकती हो और कैसे खुद को संभालने की एक्टिंग कर सकती हो। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर मैं खुद को संभालने की एक्टिंग भी कर रही हूँ? तो तुम मेरे कोई नहीं लगते। मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता? नहीं। तो जो तुम्हारा लगता है उसने कितनी वफा कर ली तुम्हारे साथ, बताओ। ख्याल किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता आबरू, वो बस होता है। और ना ही मोहब्बत को किसी लीगल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, पड़ता है फर्क मुझे। और जब तक मुझे तुम्हारे दुखी होने से फर्क पड़ता रहेगा, मैं तुम्हें दुखी होने की इजाजत नहीं दूंगा। प्लीज चल के गाड़ी में बैठो। क्या वाकई तुम्हें इतना मेरा एहसास है जितना तुम दिखाते हो, या ये भी कोई खेल है जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो? सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? यहां आओ और इसे साफ करो। इसे कहां जा रही हो? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। किसी को बुलवाकर साफ करना। मैं तुमसे कह रहा हूं इसे साफ करो। तुम्हारी नौकर नहीं, और आईना मुझसे इस लहजे में बात मत करना। फिल्पी, डोंट एवर टच मी अगेन। इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम्हारे? आप की वजह से ना, उसी ने तुम्हें शह दी थी उस दिन। आया ये मत भूलो कि तुम यहां किसकी वजह से हो। मेरी वजह से।
चुटकी बजाकर तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता हूं। मैं इस घर में इस वजह से आई हूं क्योंकि मैं इस घर की बहू और इस घर में मुझे रुखसत करवा के लिए आया गया। तुम इस घर में इस वजह से आई हो क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, रुखसत करा के इस घर की बहू। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते? अगर कुछ करना होता तो मुझे इस घर में लाने से रोकते। अब मैं कमजोर नहीं हूं और ना मैं कमजोर थी, मैं मजबूर थी और मेरी मजबूरी का फायदा तुमने जितना उठाना था उठा लिया। अब आइंदा जिस लहजे में बात करने की कोशिश की तो ये बात पापा तक भी जा सकती। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी दे रही। किसी को बुलवाकर साथ करवाती हूँ। नजीर, अरे साइन, ऑफिस से जल्दी आ गए आज तुम? हाँ, ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था आज, तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। ये बहुत अच्छा सोचा जो जल्दी आ गए। महा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा ना। मतलब? मैं सोचता हूँ कि आबरू को मैंने अपनी जिंदगी में आने ही क्यों दिया, क्या जरूरत थी? क्योंकि शायद मैं यहाँ पे थी नहीं, इसलिए तुमने अपनी लाइफ में किसी को तो लेके आना था, तो तुम आबरू को ले आए। उसने एक लम्हे के लिए भी मेरी बात पर गौर नहीं किया। अच्छा छोड़ो ना, तुम उसके बारे में इतना सोच ही क्यों रहे हो? वो तुम्हारे लायक नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुमने उसमें देखा ही क्या। महा, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूं, तुम मेरे साथ हो ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए। तुमने अपनी आंखें मुझसे क्यों चुराई ये बोलते हुए? क्या? बस मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कर दो। Come on, Simon, क्या हो गया तुम्हें? तुम
थोड़ा अजीब सा बात नहीं कह रहे? मुझे एक बहुत जरूरी फैसला लेना है, उसके लिए मुझे जानना है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो ना। फैसला कैसा फैसला? मैं समझ नहीं पा रही। ये छोड़ो ना, तुम बताओ मुझे, तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो या नहीं? मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यही तो जानना था मुझे। उसे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था, उसकी वो जगह नहीं है। जिसकी जहां जगह होती है वो वही होता है। उसने कमाई है वो जगह। अगर तुम धोखा देने को कमाना कहती हो तो बहुत चलाकी से कमाई है उसने जगह। छोड़ दो उसे। किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता अबरू, वो बस होता है। और ना ही मोहब्बत को किसी लीगल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और जब तक मुझे तुम्हारे दुखी होने से फर्क पड़ता रहेगा, मैं तुम्हें दुखी होने की इजाजत नहीं दूंगा। अब तो बताओ क्या हुआ? आबरू, तुमने जिंदगी में सारी मुश्किलें हमेशा खुद हल की। मुझे और हया को इस काबिल नहीं समझा कि हम तुम्हारी किसी भी उलझन को सुलझा सकें। तुमने हमारी इतनी फिक्र और इतना ख्याल किया जो मैंने और हया ने शायद कभी भी ना किया। कितनी बुरी बहन है ना तुम्हारी। तुम दोनों जान हो मेरी, तुम दोनों के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। मुझे परेशानी ये रहती है कि हम तीनों में से किसी एक की भी वजह से कभी भी हमारे बाबा की दिल आजारी ना हो। हया माँ खुश तो है ना? ये गड़ा हया ने खुद खोदा है अपने लिए। उसकी फितरत में ही था अपने से बढ़कर लोगों से मुतासिर होना, हर वक्त कंपैरिजन, हर वक्त कॉम्प्लेक्स फील करना। याद है बाबा को किस तरह कहती थी कि उसको देखें कितना बड़ा घर ले लिया, कितनी बड़ी गाड़ी ले ली। और बाबा, उन्होंने कभी भी किसी से भी कमतर फील नहीं होने दिया। बाबू, बाबा को तो नहीं बताना कि वो वहां खुश नहीं है।
कुछ कहते ही नहीं है, खामोश रहते हैं। हम दोनों की वजह से कितना दुख सहना पड़ा तुम्हें, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ। हमारी हया ही बेवकूफी थी। दुआ करो कि वो वलीद उसे कबूल कर ले, वरना हया के पास और कोई रास्ता नहीं था। और तुमने तुमने क्या सोचा? कुछ भी नहीं। शायद बस खुद ही कोई फैसला मेरे लिए सुना दे। छोड़ा है उसे घर? हाँ छोड़ा है। अभी तो खेल तुम्हारा बिल्कुल सही जा रहा है, पर सोचा जब ये खेल सबको पता चलेगा तो फिर क्या होगा? जो लोग दूसरों के साथ खेल खेलते हैं उन्हें सारे ऐसे ही नजर आते हैं। दूर रहो उसे। मैं तो दूर ही था, पर शायद किस्मत तो कुछ और मंजूर है। वैसे धोखा भी कितनी वफादार चीज है, घूम फिर के वहीं आ जाता है जहां से चला होता है। आई न्यू ये दिन आएगा, बाय द वे जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा मुझे ये नहीं पता था। तुम्हें ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा, ये तुम मुझसे कह रहे हो अपने आप से? अगर मुझे जबरदस्ती कुछ भी हासिल करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन मेरे उसूल मुझे इतना नीचे गिरने की इजाजत नहीं देते। ये तो मैं देख ही रहा हूं कि तुम कितने अपने उसूलों के गुलाम। सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देख सकते। लुक, मुझे तुम्हारी बेकार बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि तुम ये जो खेल खेल रहे हो इसमें तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? चाहूंगा तो दूर ही था, पर शायद किस्मत तो कुछ और मंजूर है। वैसे धोखा भी कितनी वफादार चीज है, घूम फिर के वहीं आ जाता है जहां से चला होता है। आई न्यू ये दिन आएगा, बाय द वे जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा मुझे ये नहीं पता था। आज मैंने महा से जब ये पूछा कि क्या वो हमेशा मेरा साथ देगी, उसने मेरी आंखों में देखकर जवाब नहीं दिया। पर जब मैंने उससे कहा कि तुमने मेरी आंखों में देखकर जवाब नहीं दिया, वही मुझे पता चल गया कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वो किसी के कहने में ये सब कर रही है, और हम दोनों जानते हैं वो कौन है।
पर यकीन नहीं आता। I miss you so much. Always your side. ये सब मैं तुम्हें मिलकर बताना चाहता हूं। जी जी श्योर, आई विल बी देयर, डोंट वरी। ठीक है, कल मिलते हैं। सुनो, मैं क्या नाम है तुम्हारा? सेबी। क्या करूं, मुझे इसका नाम ही नहीं याद रहता। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं अंकल, आप कैसे हैं? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। आओ बैठो। बेटा, इस घर के सारे बच्चे मुझे पापा कहते हैं। अगर तुम भी मुझे पापा कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जी पापा, आपने मुझे बुलाया था। मैं पूछ रही थी कि कल से आबरू कहाँ है। मुझे नहीं पता। क्या मतलब? तुम्हारी बहन है और तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? क्या मतलब, कहाँ गई वो? कल मैंने साइम से पूछा था तो वो कह रहा था कि आज आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं इससे पूछ लूं, शायद इसको पता हो। हाया। क्या? मेरा नाम आपने कहा ना, इसे पता हो। मेरा नाम हाया। आप कहें तो मैं आप इसे पूछ के बता देती कि वो कब तक आएगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जब आना होगा उसने आ जाएगी। मॉम, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं। पापा आपको? नो बेटा, थैंक यू। से भी कुछ ख्याल किया करो। तुम ही करो ख्याल इनका। मेरा बच्चा, नाश्ता कर लिया? क्या हुआ? कुछ नहीं, इंतजार कर रहा। किस चीज का? दुनिया में अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड का, कि वो मैं इस नॉट सो अच्छे फ्रेंड के साथ अपनी परेशानी कब शेयर करती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। क्या हुआ, अपने इस फ्रेंड पर भरोसा नहीं है? फिर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। तुम साइम से नाराज होकर आई, मेरी नजर में तो ये बहुत कुछ है। फोन आया था आपको साइम का? हाँ, किया था, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई। यूजुअली मेरी तबीयत पूछने के लिए इस तरह हर एक दो रोज बात करता है, वो उसने किया था। बाबा, आपको मुझ पे भरोसा है ना कि मैं
किसी बेबुनियाद बात पर कभी ऐसा नहीं करूंगी। अपने से ज्यादा तुम पर भरोसा है। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, मगर जो भी हुआ है बेटा वो बात करके सुलझाया जा सकता है। बेटा तुम मेरा मान हो, मेरा गुरूर, और जिस शख्स पर भरोसा करके मैंने तुम्हें उसे सबूत किया है वो इतना गलत नहीं हो सकता। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूं आप मुझे करने दें। आप देखना वक्त के साथ साथ सब खुद ही क्लियर हो जाएगा। मैं आज ये साबित कर दूंगा कि मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की। अगर हकीकत जानना चाहती हो तो मुझसे मिलने आ जाओ। मुझे अब कहीं नहीं आना। मुझे एक आखिरी मौका दे दो आबरू, अपनी बेगुनाही साबित करने का। तुम्हें मेरी कसम आ जाओ, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा सैम। जी, क्या नई खबर मिली? नहीं, क्या होनी है बेटा, वही पुरानी बुरी खबरें। नाश्ता तो आपने किया ही नहीं, अभी बना के लेंगे। ऑफिस में गए आज? तो नहीं, आज का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ओके, गुड। चले फिर। कहाँ कहाँ चले? ये तो सरप्राइज है ना। सरप्राइज? चलो हाँ, चलो आ जाओ। मीर, कहाँ गायब हो तुम आजकल? किसी को भी पता नहीं चलता कि तुम कब घर आते हो और कब चले जाते हो। मैंने कहा होना यही हूं। आबरू भी दो तीन दिन से घर पे नहीं है और महा का भी कुछ अता पता नहीं। सब वही है जो उन्हें होना चाहिए। ये चल क्या रहा है घर में? ये चल रहा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो गलत हुआ वो सही होने जा रहा है। मुझे तुम्हारी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या करने जा रहे हो? मैं एक फैसला करने जा रही हूं जो अकेले नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे मीर, कहाँ जा रहे हो तुम?
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अम्मी, जो पहले नहीं कर सका था अब करने जा रहा हूँ, आज सब ठीक हो जाएगा। अरे रुको तो सही, मीर सुनो बेटा रुको। व्हाट साइम, हम यहाँ क्यों आए? क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। ओह अच्छा, लेकिन साइम क्वालिटी टाइम तो हम कहीं स्पेंड कर सकते थे। हाँ पर यहाँ हमें कोई तंग नहीं करेगा ना, चलें आ जाओ। अपना फोन गाड़ी में भूल आई, तुम ऊपर जाओ मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। हाँ श्योर, जल्दी आना। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ मैं आती। हेलो, ये मुझे फार्म हाउस लेके आ गया है। काम डा, What do you mean by calm down? मुझे इसका इरादा कुछ सही नहीं लग रहा है, ये इसका बिहेवियर सडन चेंज हो गया है। मुझे लगा इसको पता चल चुका है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? I'll stick to the plan, okay? मगर मुझे डर लग रहा है, इसको पता तो नहीं चल गया सब कुछ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कहीं ये खुद ही बाहर ना आ जाए। ओके मैं चलती हूँ, बाय।